क्लास थ्री लेसन वन सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंस वाक्य, इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जो नीचे शब्दों का समूह दिया गया है उसको पढ़ना है। पहला है इज दिस पिकॉक ए, सेकेंड बनाना इट्स मंकी द ए, थर्ड फील्ड द प्ले इन चिल्ड्रेन, और फोर्थ है एप्पल्स टू हैव आई। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, इधर उधर वाक्य हैं, जिससे कि इससे हमको कोई भी अर्थ इस वाक्य का नहीं निकल रहा है। डू द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, क्या जो शब्दों का समूह है उससे कोई अर्थ निकलता है? नो, नहीं। दे आर नॉट मेकिंग सेंस, इनसे कोई अर्थ निकलता नहीं है। सो दे आर नॉट सेंटेंसेस, इसलिए वे वाक्य नहीं है क्योंकि इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगेन इन द फॉलोइंग वे, अब फिर से हमको इन वाक्यों को पढ़ना है। जो वाक्य दिए गए थे पहले उसी वाक्य को सीक्वेंस में यहाँ पे दिया गया है, तो हम देखेंगे कि इन वाक्यों से क्या अर्थ निकलता है। पहला वाक्य है दिस इज ए पिकॉक, यह एक मोर है, इससे अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार से जो दूसरा वाक्य है द मंकी ईट्स ए बनाना, बंदर आम खाता है, इससे भी अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार से जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस है चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, बच्चे फील्ड में खेलते हैं, और आई हैव टू एप्पल्स, मेरे पास दो सेब हैं, इस प्रकार का जो सेंटेंस है उससे अर्थ निकल रहा है। एक निश्चित क्रम है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस है, वाक्य का निर्माण कर रहा है, इससे वाक्य का निर्माण हो रहा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब आप जो शब्दों का समूह दिया गया है उससे आप अर्थ निकाल सकते हैं। बिकॉज दे आर सेंटेंसेस, क्योंकि वे वाक्य हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दस वी कैन से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस, शब्दों का वह समूह जो पूरा किसी वाक्य का अर्थ निकालता हो तो वो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जब किसी भी शब्दों के समूह से उस पूरे वाक्य का अर्थ निकल जाए तो वही वाक्य कहलाता है। रिमेम्बर इट, इसे हमेशा याद रखिए। फर्स्ट जो टॉपिक है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट हैव ए सेंस, जो शब्दों का समूह है उसका अर्थ निकलना चाहिए। एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, जो भी वाक्य है उसका प्रारंभ जो है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। थर्ड एवरी सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, जो वाक्य है वो फुल स्टॉप पर समाप्त होना चाहिए, पूर्ण विराम पर। और फोर्थ है द करेक्ट द वर्ड्स ऑफ ग्रुप मस्ट बी पुट इन करेक्ट ऑर्डर, जो शब्दों का समूह है उसको एक निश्चित क्रम में रखना चाहिए, अगर हम निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे तो उस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि वाक्यों को एक क्रम में सजाना। दूसरा स्टेप है कैपिटल लेटर से चालू करना और फुल स्टॉप पे खत्म करना। तो इस तरह से जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।